हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और बहुत दिनों से हमारे चैनल पहले इसको बंद कर देते हैं, और एक चीज़ के ऊपर बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया मेरा, वो है बिरयानी। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो ऐसा नहीं होने वाला है कि जाएंगे बिरयानी खाएंगे और असाधारण है बोल के आ जाएंगे, वैसा बिरयानी नहीं होने वाला है। इंट्रो से भी पता चल रहा है असाधारण हो रहा है। आज थोड़ा हट के वीडियो बनाने वाले। गाइस, ये सीरीज जो है इसका नाम है पैसा वसूल। मतलब ये नॉर्मल बिरयानी वीडियोस जैसा नहीं होगा, जाएंगे बिरयानी खाएंगे बोले ओ असाधारण ये जो वीडियो है इसमें हम लोग एक डिश ट्राई करेंगे और वो डिश ट्राई करेंगे दो ड्रास्टिक प्राइस पॉइंट पे। ओके, एक होगा चीपेस्ट और एक होगा मोस्ट एक्सपेंसिव। हम लोग मतलब जज करेंगे कि जो हम लोग पैसा दे रहे हैं वैसा टेस्ट या क्वालिटी दे रहा है, पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं। तो नाम भी इसीलिए कि पैसा वसूल हो रहा है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना तो भाई पैसा वसूल है कि नहीं, ये हम लोग का पॉइंट है। तो हम लोग इस चैनल पे लॉन्च करने वाले, ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है, और फर्स्ट वीडियो बिरयानी से अच्छा और क्या हो सकता है। मतलब कुछ दिमाग में आता ही नहीं है बिरयानी के अलावा। तो चीपेस्ट बिरयानी तो एक बहुत बड़ा टास्क था, मतलब जो कहाँ मिलता है, क्योंकि नॉर्मल आपको पता है स्ट्रीट बिरयानी से अभी 90 रुपया 100 रुपया में मिल रहा है, तो हमें चीपेस्ट ढूंढना था। तो हमने चीपेस्ट ढूंढ के निकाल लिया, अरकमा ने बहुत मेहनत किया इस वीडियो के पीछे, तो चीपेस्ट मिल गया और एक्सपेंसिव वाला भी मिल गया। तो गाइस, मैं सोच रहा था कि अरकमा को भी स्कूटी सिखा दूँ, बिकॉज अरकमा को इसीलिए सिखाऊंगा मैं स्कूटी, बिकॉज हम लोग लंबे ट्रिप पे जाते हैं ना, तो एक पर्सन जो ड्राइव करता रहता है उसको बहुत दिक्कत हो जाती है। सो गाइस, आफ्टर 1 आवर ऑफ ड्राइविंग माई स्कूटी फाइनली पहुंच गए बेहाला में। बिहाला का अंदर में कहाँ पे ये लोकेशन है, हम लोग बहुत मैप से देख के आए तो इतना एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे, बट डाल दूंगा लिंक यहाँ का। यहीं पे जो पीछे है वो बिरयानी मिलता है 40 रुपये का, चिकन बिरयानी, तो हम लोग वहाँ पे ट्राई करेंगे। इंडिया का चीपेस्ट बिरयानी है ये, और 40 रुपीज़ में मिलने वाला। तो आइए ट्राई करते हैं इसे। मैं आने में तो बहुत फट गया क्योंकि 1 घंटा लगा हमको, स्कूटी बहुत दूर है यहाँ से, हावड़ा से तो बहुत दूर ही है। तो आइए इसे ट्राई करते हैं कैसा इसका बिरयानी। और यही है वो दुकान, नंदलाल इसका नाम है, ये पे हम लोग खाने वाले हैं। ये हम लोग का पहला लोकेशन है जहाँ पे हम लोग चीपेस्ट बिरयानी ट्राई करने आए हैं, और वो जो लाइन में लगा हुआ है, लाइन लगता है यहाँ। तो फाइनली 40 रुपीज़ का बिरयानी मेरे सामने आ चुका है, और ये पूरा 40 रुपीज़ का, इमेजिन कर सकता है अरकमा भाई, क्वांटिटी और क्या बोलते हैं लेग पीस देख रहे हो, मतलब पीस भी बहुत बड़ा दिया है भाई। क्वांटिटी देखना, मतलब पूरा फुल प्लेट, और मेरे हाथ में वेट लग रहा है कि हाँ मैं कुछ पकड़ा हूँ भाई। और ये बस 40 रुपीज़ का है, तो मेरे को नहीं लगा कि इससे ज़्यादा सस्ता कोई और बना पाएगा बिरयानी। तो अभी ये कैसे इतना सस्ता बना रहे वो उस पर बाद में आएंगे, बट मैं इसमें राइस ट्राई करता हूँ एक बार। राइस का तो राइस लग रहा है, बिरयानी वाला राइस है, एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, ऊपर बासमती बिरयानी वाला फ्लेवर नहीं आ रहा है, बट ठीक है, 40 रुपीज़ में आपको इतना ज़्यादा मिल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और लेग पीस देखो कितना बड़ा है, ज़्यादा टाइट है क्या, चिकन बहुत अच्छा है, अच्छा टेस्ट, बिरयानी वाला चिकन है बिल्कुल, जैसे चिकन बिरयानी में होता है वैसा ही है काइंड ऑफ, बस थोड़ा सा वो फ्लेवर का मिसिंग है, अदरवाइज टेस्टी बहुत है। अगर आप 40 रुपीज़ के हिसाब से देखोगे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि 40 रुपये में कोई अगर इतना खाना खा ले रहा है तो बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो हैट्स ऑफ टू देम कि वो लोग 40 रुपीज़ में दे रहे हैं इसका बिरयानी। ये रहा 40 रुपीज़ का बिरयानी, बहुत ही वज़नदार है, लग रहा है कि हाँ इसमें अच्छा खा, और स्मेल जो है ना बहुत अच्छा, मतलब नॉर्मल बिरयानी जो आता है ना अरोमा, वैसा स्मेल आ रहा है। गाइस, जो प्राइस दिया है उसके हिसाब से अच्छा है, मगर अगर यही मुझे 70-80 रुपीज़ पे करके खाना पड़ता तो मैं नहीं खाता। चिकन तो इन लोग ने बहुत ही अच्छा दिया 40 रुपये में, इसको ट्राई करते हैं। चिकन अच्छा लगा मेरे को, चिकन बहुत अच्छा है, चिकन गाइस बहुत अच्छा, थोड़ा सा इसमें स्पाइसेस कम है, मगर देखिए आप चिकन भी दिया है, चावल भी दिया, इसके अंदर आलू भी है, प्लस सैलेड भी दिया है। जैसे हमने प्रॉमिस किया था आपको कि हम बहुत चीपेस्ट बिरयानी खाएंगे और बहुत एक्सपेंसिव बिरयानी खाएंगे, तो चीपेस्ट बिरयानी अभी अरकमा के हाथ में है, ये रहा, और इसका प्राइस है 40 रुपीज़ ओनली। डिफ़िकल्ट है यहाँ पे व्लॉगिंग करना, बिकॉज लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, बट आप लोगों को समझ आ रहा है गाइस। तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब बिल्कुल करना, क्योंकि 40 रुपीज़ का बिरयानी हमने ढूंढ निकाला है।
सपोज जिसके पास पैसा नहीं है और उसको बिरयानी खाना है, तो ये अगर 40 रुपीज़ में उसको मिल जाए तो क्या खराब है, उसका दिन बन जाएगा। तो 40 रुपीज़ में आपको अगर पूरा एक प्लेट बिरयानी जिसमें आपको पेट पक्का बढ़ेगा, तो यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा ब्लेसिंग है कि यहाँ पे आके ये लोग खा सकते हैं एक्चुअली बिरयानी 40 रुपीज़ में, क्योंकि बहुत लोग नहीं भी खा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। सो गाइस यही दुकान है नंदलाल बिरयानी, यहाँ पे देखो प्राइस भी लिखा हुआ है सबका, और यही है दुकान बेहाला में है और बहुत ही अंदर है, तो यहाँ पे आके एक बार ट्राई करना तो बनता है आपको। चीपेस्ट बिरयानी जो हमने खाया और बहुत ही अच्छा लगा खा के, और बाकी का आपने वीडियो में देखा ही होगा। और एक चीज़ मैं बता दूँगा, आलू बिरयानी भी अवेलेबल है वो 25 रुपये का है, और अंडा बिरयानी 30 रुपये का। ठीक है, बहुत मज़ा आया। तो पहला लोकेशन डन, दूसरा लोकेशन अभी लोकेशन पे आपसे मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहे। पहला लोकेशन में जैसे हालत हो रहा है ना ये सब, वो दूसरा लोकेशन में शायद नहीं होने वाला है, बिकॉज चीपेस्ट वर्सेस एक्सपेंसिव बिरयानी होने वाला है, तो वहाँ का एम्बियंस ऑब्वियसली बेटर होगा, तो दिखाएंगे आपको। तो यहाँ के लिए वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, वहाँ से स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। चला एकदम क्लोज से ज़्यादा कभी उड़ जाएगा ना तू। तो गाइस वी हैव रीच्ड आवर सेकेंड लोकेशन विच इज नन अदर देन कोलकाता की शान अरसलान। ओह माय गॉड, ये तो राइम हो गया यार, कोलकाता की शान अरसलान। सो दिस इज आवर सेकेंड लोकेशन एंड वी आर ट्राई द बिरयानी ओवर हियर। वाह वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। तो चलिए अंदर जाते और ऑर्डर करते बिरयानी। का बिरयानी है तो ये एक्सपेंसिव वाले में आता है, तो इसे ट्राई करेंगे। बहुत एक्साइटमेंट और बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, तो अरकमा को भी आ रहा होगा वो अच्छा स्मेल। सबसे पहले स्मेल ही आया फिर बिरयानी आया। तो यही तो क्वालिटी है ना, क्वालिटी 400 रुपीज़ का यही है। तो ये रहा 400 का सलान का स्पेशल बिरयानी, वैसे स्पेशल नहीं नॉर्मल है बिरयानी है। लिटरली पता है वो जो धुआं है ना वो कैमरा में कैप्चर हो रहा है, पेपर और इसका जो अरोमा है ना डायरेक्ट नाक में हिट कर रहा है। मटन का पीस देखिए, देखिए बहुत ही बड़ा पीस दिया है अरसलान का मुकाबले, मतलब अरसलान में हम लोग ने बहुत जगह ट्राई किया है मगर इतना बड़ा पीस नहीं देता वहाँ पे। तो पिछला लोकेशन का मुकाबले ये वाला लोकेशन ज़्यादा बेटर है। हम लोग कोलकाता का आदमी लोग का खासियत यही है कि हम लोग बिरयानी में आलू खाते हैं, हर जगह नहीं मिलता है। बिरयानी जो है ना दिल छू जाएगा आपका, ज़रा सा ज़्यादा भी स्पाइसी नहीं है, हर चीज़ इसमें परफेक्ट है, और इसका जो चावल है बहुत ही अच्छा वेल कुक्ड है। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा टाइट हो जाता है चावल तो थोड़ा अजीब लगता है या फिर कुछ ज़्यादा ही मसी हो जाता है। मुझे जो पीस मिला वो स्पेशली बहुत अच्छा है, क्योंकि होता है मीट और फैट का रेशियो परफेक्ट है इस पीस में। सो गाइस द सीरीज़ क्या है, सीरीज़ का नाम है पैसा वसूल सीरीज, राइट। तो ये देख के मुझे लग रहा है कि मेरा जो पैसा है वो वसूल होने वाला है, जो मेरे को डाउट था कि होगा नहीं होगा, तो कन्फ्यूजन में था। बट आफ्टर सीइंग द बिरयानी मेरे को लग रहा है कि होने वाला पैसा, और जैसे हमने रिव्यू कर दिया ना उसका, मैं क्या बोलूँ, मतलब सारा जो मेरा वर्ड्स था इसने बोल दिया, तो मैं क्या रिव्यू करूँ इसमें। नहीं, मैं मेरे को पीस कैसा मिला चाहिए, मतलब मटन का, तो काइंड ऑफ डिसेंट पीस, बहुत ही मेरे वाले से बड़ा है ब्रो, देखो। और सॉफ्ट है गाइस। मैंने पता है क्यों मैंने मटन पहले ट्राई किया, जो मटन को जो वो सॉफ्टनेस है ना, मैंने लिप्स से ट्राई किया, अपना टूटने का टूट गया। परफेक्ट ब्रो, इसको कहते हैं परफेक्टली वेल मैरिनेटेड मटन, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। तो 400 रुपीज़ एक्सप्रेसिव बिरयानी वेंट वेरी वेरी राइट। तो वैसे राइस का क्वालिटी आप देख के समझ सकते हो कितना अच्छा है। मैंने एक बुक पढ़ा था कि जहाँ पे आपको कोई स्किल को मास्टर करने के लिए 10,000 आवर्स लगता है, तो इसको जो बना रहा है ना उसने 10,000 नहीं, वो कम से कम 30,000 घंटा या फिर 40,000 घंटा उसने स्पेंड किया बनाने में, तभी इतना अच्छा बन रहा है। अदरवाइज़ किसी का बस का बात नहीं कि वो ऐसा कुछ बना दे जो कि लोगों को, मतलब 100% इंसानों को पसंद आ जाए। बिरयानी का ज्ञान। तो गाइस बहुत लोगों को नहीं पता कि बिरयानी कहाँ से आया है, कब इन्वेंट हुआ है, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब कोई वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ तो उसका पूरा स्टडी करता हूँ। तो बिरयानी मुगल्स लोगों ने इन्वेंट किया था, कि उनके जो शोल्डर्स थे ना उस टाइप पे, वो अरकमा जैसे कमज़ोर हो गए थे साइज़ में,
तो उन्होंने फिर वो बहुत कमज़ोर हो गए थे उनके सोल्जर्स, तो उनकी जो रानी थी ना मुगल की उस टाइम की जो रानी थी उनका नाम नहीं याद है मुझे, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा डिश बनाया जाए जिसमें राइस और मीट को एक साथ प्रोवाइड किया जाए, जिससे वो जो सोल्जर्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। तो यही रीज़न है बिरयानी के पीछे, और तब का इन्वेंट किया वो अभी कहाँ से कहाँ आ चुका है। तो गाइस हमने बहुत ही अरसलान में खाना खाया, मगर ये अरसलान हम लोग पहली बार आए हैं। ये अरसलान का लोकेशन जो है वो है न्यू अलीपुर में, बिहाला के साइड से थोड़ा पहले है, न्यू अलीपुर का मेन रोड पे ये अरसलान का ब्रांच है, और प्राइस यहाँ का ज़्यादा भी है, इसलिए हम लोग आए क्योंकि हम लोग को सबसे प्राइसी वाला ट्राई करना था और अच्छा वाला भी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। सो गाइस फाइनली अब फैसले की बारी आ चुकी है, हमने दोनों जगह के बिरयानी ट्राई किया, दोनों को टेस्ट किया। अब बताते हैं, मतलब ओ जी तुम बताओ कौन सा तुम्हारे लिए पैसा वसूल था? ऑब्वियसली यार नो डाउट अरसलान मेरे लिए था, और तेरे लिए कौन सा था? मेरे लिए भी अरसलान ही था। तो गाइस बस ये लोग प्राइस ज़्यादा ले रहा है, मगर जिस हिसाब का क्वालिटी और टेस्ट उन लोग तो प्रोवाइड कर रहा है प्लस एम्बियंस भी, वो मेरे लिए पैसा वसूल था। और वो 40 रुपीज़ वाला, लाइक अगर आप 40 रुपीज़ पे भी करोगे ना, तो एज ए नॉर्मल इंसान ना, अब गरीब वरीब के हिसाब से मैंने देख रहा हूँ, नॉर्मल कोई अगर 40 रुपये दे के वो खाएगा तो नहीं खाना चाहेगा, नहीं खाना चाहेगा क्योंकि वहाँ से आप पहले तो यहाँ से दूर है बहुत, और ऊपर से वो खाने लायक, मतलब कि खाने के बाद आपको मजा आ जाएगा वो वाला फील नहीं होने वाला है। तो फिर हाँ नॉर्मल खाना खाया मैंने बस, हाँ बस पेट भरने के लिए सही रहेगा। तो हमारे लिए दोनों के लिए ये जो विनर है वो है अरसलान 400 रुपीज़ वाला, दैट्स ऑल। और अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा है गाइस, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि हम कहाँ का बिरयानी ट्राई करें, हम वहाँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो डू कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गाइस, मेरा हो चुका है डन। मुझे तुमने कैसे इतना जल्दी कंप्लीट कर दिया, मुझसे तो इतना भी नहीं खाया जा रहा है। अरे बहुत जगह है। अरे नहीं जगह है। बहुत जगह है। अरे नहीं जगह है। अरे मैं बोल रहा हूँ बहुत जगह है। अरे बिल्कुल नहीं जगह है। अरे बहुत जगह है।